अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आए हैं बाइक खरीदने। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो अभी हम खड़े हैं बाइक के जो शॉप है उसके सामने। तो अभी आपको लेके चलते हैं शोरूम के अंदर, वो दिखाते हैं कि कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल है और क्या क्या प्राइस है। अच्छा, हम उसे ट्रांसलेट करके पूछते हैं किसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। नहीं नहीं, पोको शो इंगियो पोको व्हाट टाइप डू यू वांट टू से। हाँ सर जी, पूछ रहा है कि आप कौन सी आपको चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब उसे बताते हैं डिटेल्स। इससे पूछ रहे हैं इसकी प्राइस क्या है। डेंटो मोटर चल डेंटो डेंटो हाउ मच 200000 ठीक है ना। चेक मैं गिव यू फेन ये है 3299 现在活动是2900। अच्छा समझ गया। दिस इज द ओरिजिनल प्राइस नाउ दैट। इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है और बैटरी What is the maximum speed? Da su du. Na ga. Chaga chaga. Na chaga. Chaga. 50. Au. A chaga. हाँ, इसकी है 49 किलोमीटर पर आवर स्पीड और इसकी है 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये है जी बाइक, ये दे रहा है 3000 RMB की। अच्छा, अब इससे ये पूछ लेते हैं कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है। ये तो 72 ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा जी, ये ना ये हमें दिखा रहा है कि भाई इसकी प्राइस जो है ना कम है। स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि इसकी ब्रेक जो है ना वो सिंपल वाली ब्रेक है ना, ये डिस्क ब्रेक है। तो ये कह रहा है कि ये वाली बाइक ज़्यादा बेहतर है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है इससे। और ये कार्ड है, इस कार्ड के थ्रू जो है ना ये ऑन ऑफ हो जाती है। A few moments later. अच्छा जी, उस शॉप से हमें कुछ प्राइसिंग का आइडिया हो गया है। तो अभी एक और शॉप है पास, उसको विजिट करते हैं, उनसे प्राइसिंग पूछते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है। ओके 3299 की है ये, 3300। नो मियो कितने की है?
4399। कोई प्राइसेस है इसकी? वही है सेम। वी डाउन बैक पे चा चुग का सेंसर पोन हो जा 3299। देखिए सो इनको चीजें ये और ऐड हुई है साथ ही, और वो भी है पीछे डब्बा, उसके पीछे डब्बा नहीं है पीछे। तो वही 3100 की है। और ये वाली भी सेम ही है यानी? अच्छा जी, कल हमने कुछ बाइक्स क्रिएट्स पता किए थे और डिफरेंट हमने मार्केट सर्च आउट की थी। अच्छा, लेकिन कोई बाइक हमें सही समझ में नहीं आई, बट अब हम दोबारा आए हैं आज। तो आज हम इस बाइक शॉप के ऊपर आए हैं, तो यहाँ से हमें जो है ना वो पता चला है, ये जो दुकानदार है ना वो ये कह रहा है कि हमारा पहले प्लान था ये वाली बड़ी बाइक लेने का, ये वाली इस तरह की जो ये सामने लगी हुई है, बड़ी बाइक्स लेने का प्लान था। बट वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा और आपको जो है ना इंश्योरेंस भी चाहिए होगी, तो आप बेहतर ये है कि आप ना ये छोटी वाली बाइक ले लें। तो ये बाइक जो है ना इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है, और इसकी जो प्राइसिंग है और वो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। इसकी बैटरी की डिटेल्स की, कितने वोल्ट की बैटरी है और इसकी प्राइसिंग क्या है, वो सारा डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये बाइक हमने परचेज़ कर ली है, तो ये बाइक हमने परचेज़ कर ली है, तो अब ये बाइक हम यहाँ से लेते हैं और ले कर फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अभी ना इसमें ये बैटरी जो है ना वो इंसर्ट कर रहे हैं, ये बैटरी अभी ये खोलेंगे और इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे। तो उससे मेरा क्या फायदा? ये आगे देखो कितनी बैटरियां रखनी है। एक, दो, आठ, सात, आठ, पांच बैटरियां। और ये पांच बैटरियां आ गई इसके अंदर। ये क्या है? 12V। हाँ, कह रहे हैं एक बैटरी जो है ना वो 60V की है। आई थिंक पैडल्स लगाएगा, पैडल नहीं है, फुट रेस्ट भी। ये इसकी सारी प्रॉपर फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा देखें जी, ये काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं ये लोग, ठीक है। देखें, अगर आप देखें तो इन्होंने ग्लव्स पहन के ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये एक बैटरी जो है ना, एक बैटरी इसमें पांच बैटरियां लगी हुई हैं, एक बैटरी 60V की है, एक बैटरी 60V की है और 20 एम्पेयर्स की है। और ये कहता है कि जब अगर आप एक दफ़ा इसको चार्ज कर लोगे तो ये 70 से 80 किलोमीटर चलेगी, 70 से 80 किलोमीटर एक चार्ज में ये चलेगी कहते हैं। बाकी इसको चला के भी ट्राई करेंगे कि किस तरह क्या सूरत हाल रहती है।你有中文的这个居住证的话，赶紧办理一下，然后我给你开发票，赶紧上牌。因为你们现在是不是在南校？如果南校的话，现在就要查牌子，查这个通行证，尽快的办理好以后，你就可以自由的出入学校了。 OK。 If you have Chinese residence permit for this household in Chinese, please apply for it as soon as possible. I will issue an invoice for you and register it as soon as possible because you are currently in the South Campus. If you are on the South Campus, you need to check the sign and obtain this permit as soon as possible. After that, you can freely enter and exit the school. Okay. Okay.
अच्छा जी, कह रहे हैं कि अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है ना तो एज सून एज पॉसिबल इसको रजिस्टर कर लें बाइक को जी। वो मुझे कह रहा है कि आप पहले अपने चाइनीज़ रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसको नहीं पता कि चाइनीज़ रेजिडेंस परमिट ऑलरेडी हमारे पास है। तो उसे हम यही बता रहे हैं, कहता है कि वो चाइनीज़ रेजिडेंस परमिट मेरे पास लेके आओ तो मैं आपको जो है ना वो इनवॉइस इशू कर दूंगा, देन आपने जाना है पुलिस स्टेशन इस बाइक को रजिस्टर करने के लिए। नो नेम मो मींस ए मींस मींस बी यू शी चोंगवन नेम मो चोंगवन मींस चाइना चाइना नेम चाइना नेम चाइनीज़ नेम चाइनीज़ नेम ओके 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 你不能这块写着 English 他有中文名字，他有，他有中文名字。哎，OK。嗯，他有。你把那个照片找出来。啊？不啥子嘞？你这后来给他回。给他我照片，照片的高。哦，照片。 इसी बाइक के ऊपर भी इतना यार वो है, इतने रूल एंड रेगुलेशन है, हमारे जो है नंबर प्लेट कभी लगाते ही नहीं है और ऐसे यूज़ करते रहते हैं। अब ये बाइक में जो है ना वो उसको सेट कर रहा है, रेडी कर रहा है चलाने के लिए, चेक करेगा आई थिंक। ये अभी तो कोई इनवॉइस देना इसके अभी नहीं देगा, कह रहा था वो उसको लेके आओगे फिर देगा। चलो जी बाइक ले ली है आप अल्हम्दुलिल्लाह से, तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको इसका ट्यूटोरियल भी देंगे कि इसकी राइड कैसी है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।